विल गेट सम डिस्काउंट। मुझे लगा था कि ये 150-200 का लिपस्टिक है, इसमें गई नहीं हूँ ना ही कभी, गरबा खेली हूँ, मन का मांग टीका बस ऐसे ही लेगा। बट ये यहाँ से ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं कुछ मोस्टली वर्क खा चुकी हूँ, मेरे पास ऐसा प्रॉपर गरबे का कपड़ा नहीं है। काफी बड़ा बिंदी लगाई हूँ, जो कि मुझे भी तो बैग इतना पसंद आया है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याश, वेलकम बैक टू माय डे 27th ऑफ डे 60 व्लॉग वीडियो चैलेंज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, व्लॉग एकदम कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, एक दो दिन का बीच बीच में गैपिंग्स आ ही जा रहे हैं। मैं पूरी तरीके से चाह रही हूँ कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग कर पाऊँ, बट कर नहीं पा रही बिकॉज नाउ द शेड्यूल इज वेरी बिजी एंड मैं चाह के भी प्रॉपर वीडियोज आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। सो मैं शावर इज डन, एवरीथिंग इज डन, अब हम लोग चल रहे हैं खाना बनाने। लाइक मैं और मेरी मम्मी मिल करके थोड़ी खाना बना लेते हैं। फिलहाल अभी घर में मैं और सिर्फ मेरी मम्मी है, बाकी सब लोग निकले पड़े हैं यहाँ से। एंड स्किन पे थोड़े से ये जो डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं ये सब आ चुके हैं। इधर भी देखो थोड़े से ऐसे लग रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं, रेडनेस आ गए स्किन पे, मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। लास्ट वाले ब्लॉग में माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी लग रही थी, बट ये देखो दो दिन के बाद ही काफी ऐसे पैची से लग रहे हैं। बट कोई नहीं, हम लोग इसको क्लियर आउट कर लेंगे। तो चलो फटाक से नीचे चलते हैं एंड यहाँ से व्लॉग में फिर से शुरू कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं व्लॉग कंटिन्यू एंड प्रॉपर कर पाऊँ आप लोगों के साथ, मतलब आई एम स्पीचलेस, शेयर नहीं कर पा रही हूँ, डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ कि समझ ही नहीं आ रही कि वक्त कहाँ जा रहा है, किधर से निकल रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है, सच में नहीं समझ पा रही हूँ। सो चलो हम लोग चलते हैं। इट्स इवनिंग टाइम एंड मेरा सारा काम वाम हो चुका है, बाहर पूरा अंधेरा भी हो चुका है और आज ना मैं जा रही हूँ थोड़ा गरबा लुक क्रिएट करने के लिए, बिकॉज नवरात्रि चल रहा है। और मैं आपको बताऊँ, जितने भी हेवी कपड़े थे मोस्टली वर्क खा चुके हैं, मेरे पास ऐसा प्रॉपर गरबे का कपड़ा नहीं है। सो जो भी है कपड़े उन सबको मैं मिक्स एंड मैच करके थोड़ा सा एक गरबा लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। प्लीज इस पे ये कमेंट मत करना कि तुम तो मुस्लिम हो, तुम गरबा लुक क्यों क्रिएट कर रही हो, बिकॉज एज वी आर कंटेंट क्रिएटर तो हमें फेस्टिव लुक करने होते हैं, हमें वेडिंग्स लुक करने होते हैं, हमें वेडिंग गेस्ट लुक करने होते हैं, हमें टिप्स ट्रिक्स टेक्निक सब कुछ ऐसे शेयर करने होते हैं। एंड एज आई एम शेयरिंग ब्लॉगिंग तो इस रीजन से आप लोग जान सकते हो व्हाट आई एम डूइंग इन माय पर्सनल लाइफ, तो इसीलिए भी बस मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ। वैसे आज तक कभी मैं डांडिया नाइट्स में गई नहीं हूँ, ना ही कभी गरबा खेली हूँ। मन तो मेरा बहुत होता है बट आप लोग को पता है ना कि हमेशा ये सारी इवेंट्स रात में ही ऑर्गेनाइज होते हैं और 6-7 बजे के बाद मेरे को ऐसे बाहर निकलने नहीं मिलता है घर से, और नहीं तो ऐसा मस्त रेडी शेडी होकर के। सो अभी तक तो मैं नहीं गई हूँ, या आफ्टर गेटिंग मिंगल आई विल सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट फिलहाल जब तक मैं सिंगल हूँ अपनी लाइफ में, मैंने अभी कभी भी ऐसे कुछ भी गरबा इवेंट्स एंड ऑल ये सब कभी भी मैंने ज्वाइन नहीं करे हैं। हमारे लोकेलिटी में भी बहुत सारे जगहों पे ना ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, बट फिर भी मैं आज तक नहीं गई हूँ। सो यार अभी फाइनली मैं जा रही हूँ, यही बस एक लुक थोड़ा क्रिएट करना है। एंड इसके साथ साथ ना एक बहुत अच्छा सा बैग मैं मंगाई हूँ, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ देन आई विल शेयर माई बैग कि क्या है कैसा है, बहुत स्पेशियस है, उसमें बेसिकली आप अपने सारे नीड्स के सामान रख सकते हो एंड देखने से बहुत ही ज़्यादा रिच वाइब देता है। आई लाइक दैट बैग, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पहले मैं ना थोड़ा चेंज कर लूँ, थोड़ा रेडी हो लूँ उसके बाद। सो गाइज ऑलमोस्ट डांडिया लुक का मैं लुक कर चुकी हूँ, आज मैं बिंदी लगाई हूँ बहुत टाइम के बाद और मैं अपने रेगुलर साइज से काफी बड़ा बिंदी लगाई हूँ, जो कि मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट कोई नहीं, गरबा वाले में आई हैव सीन कि लोग बिंदियाँ लगाते हैं, तो देखते हैं किसी को हम फाइनल रखेंगे या फिर इसे छोटे वाले लगाएंगे। लास्ट के लास्ट वीडियो में जो मैं लिप शेड यूज़ की थी, नहीं लास्ट ही वाले वीडियो में ना जो हम लोग श्री सुंदरी गए थे शॉपिंग के लिए, तो वो लिप शेड का ऐसे मुझे कमेंट्स आ रहा था कि आपने क्या लगाया। तो देखो सबसे पहले मैं पिंक शेड लगाई थी, लिप लाइनर, उसमें मैं आई लाइनर बोल दी थी, बट नो इट वॉज लिप लाइनर। एंड ये स्ट्रीट वियर ब्रांड का है और इसका जो शेड नेम है ना वो चकबेरी ऐसे ही था, चकबेरी या चिकबेरी यहाँ से इरेज हो गया थोड़ा सा। तो आप लोग किसी भी ब्रांड का नहीं ये वाला शेड ले सकते हो एंड कॉम्बिनेशन में दिखाऊंगी, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन लगता है। देखो आउटलाइन कर लेना अपने लिप्स को बहुत बेहतर तरीके से, जिस तरीके से हम आउटलाइन करते हैं। आउटलाइनिंग के साथ साथ आपने देखा होगा कि मैंने इस आउटलाइन को लिप पे भी स्प्रेड करे, लाइक पिंक विंक हल्का सा हमने लिप पे भी स्प्रेड करे
और अब मैं जो शेड लिपस्टिक अप्लाई करने जा रही हूँ दैट्स द मैजिक, क्योंकि वही मेन असल शेड है। वैसे बेसिकली मेरे लिप्स पे न्यूड शेड नहीं जाते हैं, बट ये आदि शेड वॉज लुकिंग गुड। एक्चुअली डार्क आउटफिट था ना, तो कुछ इस टाइप के शेड्स अच्छे लगेंगे। सो दिस इज द लिपस्टिक बाई ब्रांड पिलग्रिम मैट मी अप, एंड इसका शेड नेम है 04 न्यूड ऑब्सेस्ड। एंड इसकी प्राइस जो है ना बहुत महंगा नहीं है गाइज। इसका बॉक्स था मेरे पास, मैं आपको दिखा रही हूँ। या हेयर इज द बॉक्स एंड इसकी जो कॉस्टिंग है भाई, मिल जाओ यार प्राइस। गाइज 495 का है, बट यू विल गेट सम डिस्काउंट। मुझे लगा था कि ये 150-200 का लिपस्टिक है। कोई नहीं, 495 भी बहुत महंगा नहीं होता है। 495 में अगर आपको एक अच्छा लिपस्टिक मिल रहा है सो आपको उधर जाना चाहिए। और अभी तो यार इतने सारे डिस्काउंट्स ऑफर्स चल रहे हैं। वैसे ये शेड अगर आपको किसी ब्रांड में मिलता है जो 150-200 का ब्रांड 150-200 की लिपस्टिक आ रही है ना, सो आप जा सकते हो। मैं बेसिकली आपको बस शेड दिखा रही हूँ, बट यार इसकी जो टेक्सचर है वो बहुत मक्खन है। वही मैं सोचूं कि 150 में इतना अच्छा लिपस्टिक पिलग्रिम कैसे निकाल सकते हैं। मतलब 3-4 बार अभी तक मैं इसे अप्लाई की हूँ और मेरे माइंड में बस यही चल रहा था कि वाह यार 150 में पिलग्रिम ने बहुत अच्छा लिपस्टिक लॉन्च किया है। सो अब मैं इसे लगाऊंगी अपने लिप पे इस तरीके से। सो गाइज हेयर इज द लुक। अभी आपको थोड़ा पीची शेड में लग रहा होगा, बट ऐसे ऑफ कैमरा ये ब्राउन टोन का ही, ये न्यूड ब्राउन है। आई डोंट नो, ये जो फोन के कैमरा होता है ना थोड़ा सा कलर को डिफर कर देता है, सो इट डजेंट मैटर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी टेक्स्चर है। अब मैं यूज करूंगी हिलरी रोडा का ये लिप ग्लॉस। किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि कुछ ऐसा अफोर्डेबल में कुछ ग्लॉस वगैरह बता दो दीदी। सो मेरे ख्याल से ये ग्लॉस 250 के आसपास का है एंड दिस इज अफोर्डेबल। इसका भी बॉक्स अभी मेरे हाथ में नहीं है। एडिटिंग के टाइम पे अगर मेरे को इसका प्राइस मिलेगा तो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो द शेड नेम इज 06 रसबेरी रश। और इसको देखो, इसको मैं इसके ऊपर से लगाई थी उस दिन भी, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि आजकल ग्लॉस मेरे को अच्छा लग रहा है। और इसके बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। अप्लाई इट। एंड गाइस इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आई जस्ट लव द फ्रेग्रेंस, बहुत ज्यादा बढ़िया है। और ये सारे मेरे मेकअप वैनिटी बॉक्स में, बोल तो ब्राइडल वैनिटी बॉक्स में जाने वाले ये सारे ही प्रोडक्ट्स। एक चीज पता है, मैं बता रही हूँ, मेरे पास जो जो चीजें हैं जो अभी मेरी यूज में चल रहे हैं, आई एम नॉट गोना बाय दैट थिंग बस लोगों को दिखाने के लिए डट या मैंने इस चीज को नया खरीदा है। लाइक लेट मी शो यू वन थिंग, दिस इज द फाउंडेशन जो कि अभी इसमें इतना है, 80% इसमें फिल है बॉटल। सो मैं इस चीज को ऑब्वियसली बात है कि मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी। इसका मैंने दूसरे शेड ले लिए हैं क्योंकि मैं दो शेड को मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है, तो एग्जैक्टली शेड आप अपने स्किन पे मत अप्लाई करना। सो या जो जो चीजें खत्म हो चुकी है प्रॉपर, मैं वो चीजें रिन्यू करूंगी, बट जो चीजें हैं मेरे पास उनको साइड करके मैं नए प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करके फिर मैं अपना वैरायटी क्रिएट करूंगी। दैट्स नॉट द थिंग, क्योंकि यार जो चीज अभी मैं यूज कर रही हूँ वो भी मेरी ही चीज है, और आफ्टर वेडिंग जो चीजें मैं यूज करूंगी वो भी मेरी ही चीजें होंगे। सो ऑब्वियसली अभी जो प्रोडक्ट्स, जो भी चीजें मेरे पास हैं जिनको मैं यूज कर सकती हूँ फिलहाल 6-7 months, सो वाई विल आई थ्रो देम, मैं उनको रखूंगी यार अपने साथ। जैसे कि अभी मैं आपको हाईलाइटर दिखाती हूँ। अभी मैंने ये वाले हाईलाइटर देखे हैं, तो मैं देखी कि यार अभी भी ये काम चल सकता है, मतलब अभी ये 5-6 months आराम से चलेंगे। एंड ये मेबिलीन का हाईलाइटर है, और देखो मैं खुद का मेकअप सिर्फ खुद ही करती हूँ, बाकी उसके अलावा मेरे प्रोडक्ट्स ना तो कोई और यूज करते हैं और ना ही मैं दूसरों का मेकअप करती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी खर्च हो जाए। पहले मैं मेकअप वीडियोस बनाया करती थी तो मेरे प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी खर्च होते थे, तो मैं खरीदा करती थी। बट अब जैसा मैं ब्लॉगिंग शेयर करती हूँ, मेकअप वीडियोस बहुत कम कर चुकी हूँ, इसलिए मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बच जाते हैं। सो दिस इज द हाईलाइटर, आप देख सकते हो बस इसके बीच का उरा है, बाकी ये अभी भी है कि इसको हम 5-6-7 months आराम से लेके चल सकते हैं। एंड इसकी एक्सपायरी डेट भी अभी है 1.5 साल की। सो वाई विल आई थ्रो इट, ऑफकोर्स मैं इसे अपने साथ रखूंगी। हाँ, अगर मेबिलीन का मेरे को नया हाईलाइटर लेना होगा तो मैं मेबिलीन का नहीं लूंगी, मैं दूसरे ब्रांड का लूंगी, एंड कुछ ऐसा लूंगी ना जो सस्ते में नहीं पड़ जाए। मैं बहुत ऐसा खर्च नहीं करने वाली, वैसे भी शादी में बहुत फजूल खर्च होते हैं गाइज। सो जितनी सिंपल से सिंपल आप कर सको जहां तक उतना आप सिंपल कर लेना यार, बहुत माथा पिट्टी चीजें होती है। अब देखो इन कलर का भी ये वाले हाईलाइटर मेरे पास है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज सो गुड, बहुत अच्छा हाईलाइटर, बहुत
नेचुरल सा ग्लो देता है। तो यहाँ जब दो हाइलाइटर मेरे पास हैं जिनको मैं यूज कर सकती हूँ, मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से जाते हैं, तो मैं क्यों ही दूसरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूंगी यार। मैं पता है मैं पहले मेरे को लगता था डैट यार शादी हो सो आई विल डू दिस डैट, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी बवाल कर दूंगी, बट अब मेरे को लगता है यार ऑलरेडी इतने सारे जब स्पेंड हो रहे हैं पैसे, तो जो चीज मेरे पास है मैं उसी चीज में क्यों दोबारा रिपीटली मैं इन्वेस्ट करूं। और आप लोग एक बात बताऊं, आफ्टर वेडिंग भी हम बहुत ज्यादा मेकअप रोज नहीं चपोते हैं क्योंकि हमारी स्किन है, हम हमेशा मेकअप में नहीं रह सकते हैं। सो इसीलिए उतना ही स्पेंड करो जितना आप लगा सको, खर्च कर सको, क्योंकि पैसे हराम के नहीं आते हैं, बहुत मेहनत लगती है कमाने में। सो या सेव मनी एंड सेविंग करो, जिस चीज की जरूरत है वो खरीदो, बट जो चीज आपके पास है एकदम उसी पे इन्वेस्ट करना कि नहीं लोगों को दिखाना है कि भाई हमने नए चीज खरीदे हैं, सो वो बेवकूफी है। तो वो बेवकूफाना हरकत ना करते हुए आप लोग वो हरकतें करो जो आपके काम आ सके। क्या आप लोग समझ गए व्हाट आई वांट टू से? एंड लुक एट द लुक, दिस इज गुड, पसंद आया मेरे को, बहुत सिंपल सा शोवर सा लुक लग रहा है ये मुझे। अब मैं हेयर स्टाइल करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी एंड उसके बाद फिर मेरे लुक जो है सो डेंट 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 हो जाए। गाइस दिस इज माय डांडिया का लुक जो कि मैंने अभी रिक्रिएट किए हैं, एंड प्लीज आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ दैट हाउ दिस लुक इज लुकिंग। एक्चुअली फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मेरे को जितना समझ आया बस मैं उतना करते गई। एंड ये वाले मांग टीका को ना मैं थोड़ी सी अपने दिमाग लगा के बनाई हूँ, मतलब ये ना वो गले का चेन है जो कि इस टाइप के शेप में था, तो इसको ना मैं अटैच कर दी हूँ ये प्लेन राजस्थानी मांग टीका में, और इस टाइप का ये मांग टीका। इससे क्या होगा ना कि आप कितना भी हिलोगे डुलोगे तो आपका मांग टीका बस ऐसे ही हिलेगा, बट ये यहाँ से ना दूसरे जगह पे नहीं होगा। एंड जैसा कि पूरे दुपट्टे में गोल्डन डिटेलिंग्स है, तो इसलिए मैं गोल्डन ही ज्वेलरी की तरफ एंड गोल्डन ही बाले की तरफ गई हूँ। अब देखो मांग का टीका ये जो है ना ये पूरा इस तरीके से कवर कर लिया है, इसलिए मैं इयररिंग्स नहीं पहन रही हूँ, गले में कुछ भी नहीं पहन रही हूँ। वैसे अगर हम चाहें तो हम गले में कुछ चोकर वगैरह डाल सकते हैं, बट जो मेरा ये जो है ना दुपट्टा जो है ना इसको मैं बहुत ऊपर करके ली हूँ क्योंकि थोड़ा सा ब्लाउज का नेक थोड़ा डीप है इसी वजह से। बाकी आजकल तो नेक डीप वाले ब्लाउज पे भी लोग इस तरीके से दुपट्टा ले रहे, तो उस टाइम पे क्या करना है ना कि आपको नेक में कुछ ले लेना है। अब देखो ज्यादा स्पेस नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा इसे गिजड़ बिजड़ हो जाएगा। और या सो दिस वॉज द लुक जो कि मैंने क्रिएट किया। चलो आ जाओ अब मैं ना आपको अपना बैग दिखाती हूँ जो मैं मंगाई हूँ, उसको मैं सोच रही हूँ। अभी मेरा 50-50 है कि विदाई के टाइम पे मे बी मैं उस बैग को यूज करूँ, ऐसे मैं अभी सोच रही हूँ ना कि मे बी विदाई के टाइम में इस बैग को यूज कर सकती हूँ, बट फिर मैं सोच रही हूँ शायद विदाई के लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और मतलब बट ऐसा चाहिए ना मेरे को कि थोड़ा उसमें सामान रह सके, कुछ मेरे मेकअप्स के सामान रह सके, कुछ स्किन केयर रह सके एंड वाइप्स वगैरह रह सके, सेफ्टी पिंस रह सके, मतलब जो कुछ भी एक ब्राइडल बैग में हमने रखना चाहिए ना। मैं चाह रही हूँ कि बैग मेरा इतना स्पेशियस हो कि सारी ही चीजों को कवर कर ले, बट वो बहुत ज्यादा ऐसा अजीब सा बैग नहीं हो, मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा बैग लेना था, इसलिए थोड़ा मेरा माइंड उधर गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा वाला हमारा बैग है। तो बस मैं इसको अभी तक पैकेट में इसी तरीके से करके रखी पड़ी हूँ, एंड अभी हमने ये वाले शेल्फ को भी सही करने हैं। सो हियर इज द पैकेट, लेट मी ओपन दिस गाइस। दिस इज द बैग, अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। सो ये ज़ूक ब्रांड का बैग है, ये हैंडमेड बैग है। ओ माय गॉड, एंड गाइस ट्रस्ट मी, मेरे को ये बैग इतना पसंद आया है, इसकी क्वालिटी 10/10 है। ज़ूक का मैं ऑलरेडी एक बैग यूज कर रही हूँ जो कि मेरे ख्याल से 6-7 thousand के बीच का था, एंड ये वाला बैग मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। इसमें आपको अटैचेबल ऐसा स्लिंग भी मिलेगा, और यहाँ इसका लोगो है, इसकी चेन की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है, और देखो ऐसे मतलब कैरी करने में ना दिस विल लुक सो गुड, ठीक है, बहुत ज्यादा सा बड़ा नहीं लग रहा है क्योंकि इसका ना ऐसा ढोल की शेप है इस बैग का, सो इट विल कंटेन लॉट्स ऑफ स्टफ, जितने भी मेरे सामान है सारे के सारे इस बैग में आ जाएंगे। बट उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से पर्ल्स वाले जो आजकल बैग नहीं चलते ब्राइड्स के लिए, बट जो पर्ल वाले बैग है वो मैं बेसिकली सोच रही हूँ कि रिसेप्शन के लिए मैं लूंगी, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आपको एक फोन कैरी करना होता है, बाकी उसके अलावा बस आप थोड़े टचअप वगैरह के सामान जैसे कॉम्पैक्ट एंड लिप ग्लॉस या फिर लिपस्टिक बस आप रख लेते हो, बट उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए उस टाइम पे मेरे को थोड़ा छोटा वो पर्ल वाले बैग में सोच रही हूँ, बट फॉर द विदाई मेरे को थोड़ा बड़ा बैग चाहिए क्योंकि मेरे को बहुत सारे सामान इसमें रखने हैं, मेडिसिन हो गए हैं, पेन किलर्स हो गए, लॉट्स ऑफ थिंग्स यार, तो मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए। इसकी चेन की क्वालिटी इतनी सही है भाई, क्या बताऊँ मैं, इसके अंदर मस्त ऐसा स्लिंग मिलेगा आपको, देखो इस टाइप की क्वालिटी है इसकी, इधर से ऐसे लॉक और ये हो जाएगा। गाइस
लुक एट द स्पेस, इसमें इतना ज्यादा स्पेस है कि आप इसमें ऑलमोस्ट अपने सारे ही मेकअप के प्रोडक्ट्स रख सकते हो। साथ ही साथ आपके फोन्स इसमें चले जाएंगे, अलग से जो भी मेडिसिन सेफ्टी पिन सब कुछ इसमें चले जाएंगे। देखो साइड में ना इसके जैसे दो कंपार्ट्स हैं, इधर दो अलग अलग सेक्शंस में से डिवाइडेड किए हुए हैं, और इधर एक बड़ा सा चेन आपको मिल रहा है जिसमें आप अपना कुछ कैश वगैरह कैरी कर सकते हो आराम से। आप इसमें अपना एक डायरी वगैरह रख सकते हो, पेन वेन, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस है। इसको स्पेस के लिए ही और देखने से इतना क्लासी लग रहा है भाई, मतलब एकदम मस्त लग रहा था यार देखने से। एंड इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है, आई जस्ट लव दिस। और बहुत सही है, मेरे को सही लगा। इसका कलर भी ऐसा है ना कि इसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा अभी मैं कुछ टाइम पहले ही बताई कि प्रोडक्ट्स ऐसे लो जिसे आप बाद में भी यूज़ कर सको। सिर्फ ऐसा ना कि जैसे ब्राइडल लहंगा कैसा होता है कि एक दिन बस पहना वो रखा कर रखा रह गया, बट वो चलो लहंगा है, बट उसके अलावा और भी जा सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं ऐसा चाह रही हूँ कि ऐसा लूँ कि जिसको मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँ। ऑलरेडी हील्स भी ब्राइडल में ले चुकी जिसको मुझे नहीं लगता कि मैं बाद में उन सबको यूज़ करूँगी, बट यार पर्स तो हमारा फेवरेट होता है ना। और ऐसा चंकी शंकी सा वाला पर्स है जिसको मैं आज तक कभी दोबारा यूज़ नहीं की हूँ, बट फिर भी मैं देख लूँगी एक बार पर्ल वाला बैग अगर ऐसा कुछ लेना होगा सो उसके तरफ भी चले जाएंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अभी तो शॉपिंग से ऐसा हमारे कंटिन्यू है, तो प्लीज़ आप लोग ना इस चीज़ में मेरी हेल्प करा दो कि ये पर्स जाएगा विदाई के लिए या फिर थोड़े वो पर्ल वगैरह वाला पर्स ले लेना चाहिए मुझे। वैसे ये बहुत अच्छा है, स्पेशियस है। एक काम मैं कर सकती हूँ, इसमें सारे जो भी मेरे स्टोरेज हैं जो मुझे चाहिए इसमें रख करके ना इसको मैं साइड कर सकती हूँ, इसको मैं अपने रूम में रखवा सकती हूँ, ये चीज़ हो सकते हैं। और जो उस टाइम पे जो हैंग करना रहेगा, जो मुझे लेना रहेगा, वो मैं ऐसा पर्स लूँ जिसमें ऑलरेडी मेरे पास दो फ़ोन आ जाए, क्योंकि फिलहाल मैं दो फ़ोन अभी यूज़ कर रही हूँ। एक मेरा ये वन प्लस का है, एक आईफोन जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ, जितने भी व्लॉग्स वगैरह है सब मैं आईफोन से ही शूट करती हूँ, और जो प्रोफेशनल वीडियोज़ होते हैं उनको मैं कैमरा से शूट करती हूँ। तो यार कम से कम बैग ऐसा हो जिसमें एक हैंग की आ जाए, दो मेरे फ़ोन रखा जाए। सो आप लोगों मेरे को कमेंट में बताओ कि इसी बैग से काम चला लो या फिर दूसरे बैग को ले लो। अभी बैग्स हमने और लेने हैं डेली यूजर्स के लिए, बट बेसिकली विदाई के लिए ना मैं बहुत ऐसा कंफ्यूज हूँ, सो प्लीज हेल्प मी आउट। माय दिस लुक इज डन, और ये वाले शूट हो गया। बहुत टाइम के बाद मैं ऐसा कुछ शूट की हूँ, क्योंकि दशहरा बार बार थोड़ी आता है, साल में एक बार तो आता है, और अब तो बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हमारे माथे पे हैं जिसमें दीपावली लुक होगा, छठ, छठ का लुक नहीं, छठ में कोई लुक नहीं होता है यार, दशहरा में लुक होता है। दशहरा में जो सब लोग घूमने जाते हैं तो उस टाइम पे सब लोग बहुत सारे लुक क्रिएट करते हैं। मैं थक गई यार, चलो मैं ना चेंज करके तब आप लोगों से मिलती हूँ, कड़क सी चाय बनाएंगे नीचे चल के। और ये वाला ना लिपस्टिक ट्राई जरूर से करना, बहुत सुंदर लगता है। पता है जब से मेरे रूम से वो छोटा वाला बेड गया है और डबल बेड लगा है, तब से मैं ऐसा खड़े होकर शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस जो है सो इस बेड ने ले लिया है, और मेरे को ना ऐसे शूट करने का जगह नहीं है। तो मतलब अब मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी कर चुके हैं हम लोग इस बेड को लाने में। ऑलमोस्ट अभी एक आध महीना और रहने देना था तभी इस बेड को लाना था, क्योंकि यार मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा शूट करने में। अभी बहुत सारे से फेस्टिव सीजन है, मेरे को बहुत सारे कपड़े ट्राई करने थे मीशो से, देखो मैंने ऑर्डर ही करने छोड़ दिए है, हाँ, क्योंकि मेरे को ट्राई करने का ऐसे जगह ही नहीं मिल रहा है। सो चलो अब मैं फटाक से अनरेडी होती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ।